चिकन जो है हम अक्सर लंच और डिनर में बनाते हैं, लेकिन यही बन सकता है स्नैक में भी और एकदम बढ़िया। कैसे, आइए देखते हैं। हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्प चिकन विंग्स। तो सबसे पहले आइए इन चिकन विंग्स को हम काट लेते हैं। इस तरह से ये विंग्स बाजार में हमें मिलते हैं पूरे, और इनको काटना कई बार बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके जॉइंट्स हैं उनको आप किस तरह से काट सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करने से पहले ही आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो किनारे का हिस्सा है ये बिल्कुल हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता, तो इसको हम एक चाकू की सहायता से ऐसे निकाल सकते हैं और इस हिस्से को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये जो दोनों हिस्से हैं इसको हम कहते हैं ड्रमेट्स, और ये है चिकन विंग। ये दोनों हमारे लिए एडिबल हैं, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे साबुत भी रख सकते हैं, या इसको भी आप बीच में से इस तरह काट सकते हैं। यदि इन जॉइंट्स की आपको समझ होगी तो आप आसानी से चाकू से इसको काट सकते हैं, वरना आपका जो चाकू है वो हड्डी के ऊपर ही अड़ जाएगा। तो इसी तरह से मैं बाकी विंग्स को भी काट लेता हूँ, और उसके बाद इसको करता हूँ मैरिनेट। और इस तरह से इन चिकन विंग्स को काटने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे, पहले करते हैं इनको मैरिनेट। अब इनको मैरिनेट करने के लिए हम लेते हैं थोड़ा सा देगी मिर्च का पाउडर, इसके साथ ही इसमें डाल लेते हैं नमक। मेरे पास कुछ मिक्स हर्ब्स हैं, उनको मैं इस तरह से हाथ में पीस लेता हूँ। ऐसा करने से जो इसकी खुशबू होती है वो और भी खिल के सामने आती है। अगर आपके पास ताज़ा हरी हर्ब्स हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस हर्ब्स को डालने के बाद हम इसे एक बार टॉस कर लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं, ताकि जितना भी हमने इसमें स्पाइसेस और मसाले डाले हैं वो चिकन के चारों तरफ लग जाएं, और इसको हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको चिकन के ऊपर रब भी कर सकते हैं इस तरह से। अब इस तरह से इसको मैरिनेट करने के बाद हम फ्रिज में रख लेंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन के इन विंग्स को मैरिनेट करने के बाद अब बारी आती है इसको क्रिस्प बनाने की, यानी कि इसको कड़क बनाने की। और कड़क बनाने के लिए आइए इसको डस्ट कर लेते हैं हम मैदे के साथ। आप चाहें तो मैदे के अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं, ऐसा करने से जो चिकन है वो ज़्यादा क्रिस्प बनेगा। तो हम लेते हैं एक पॉलिथीन का बैग, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा। मैदे में हम मिलाएंगे ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च, नमक, और इनको एक बारी मिला लेंगे। मैदे को हम भर देंगे इस थैले के अंदर, प्लास्टिक के इस बैग के अंदर, और जो चिकन के पीसेस हमने देगी मिर्च और नमक और हर्ब्स के साथ मैरिनेट किए थे उनको हम डाल देंगे इस बैग के अंदर। इसको साइड में रख लेते हैं। इसके बाद इसमें हवा भरनी चाहिए, और हवा भरने के बाद हम इसको घुमाएंगे। आप बैग को चारों तरफ घुमाएंगे तो जितना भी मैदा है, सीजन्ड मैदा, यानी कि मैदे के अंदर हमने नमक और मिर्च मिला रखी है, वो मैदा अब चिकन के चारों तरफ लग जाएगा और उन जॉइंट्स में भी जाएगा, स्किन के नीचे भी जाएगा, जहाँ पर हम अमूमन जब मैरिनेट करते हैं या कोट करते हैं तो मैदा नहीं पहुँचता है। तो इस तरह करने से सब जगह पर मैदा पहुंच जाएगा। अब इन चिकन पीसेस को हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको हम डालेंगे बेकिंग ट्रे में। तो इस बेकिंग ट्रे में हमने पहले से ही एल्युमिनियम फॉइल एक बिछा ली है, और इन चिकन पीसेस को अब निकाल के थोड़ा सा हिलाइए ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें मैदा लगा है वो निकल जाए। आप देख रहे होंगे एक खास बात, इसमें मैंने इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे इसमें तेल का इस्तेमाल होगा लेकिन बहुत थोड़ा सा, तो हम तेल नहीं डालेंगे, हम तेल को स्प्रे करेंगे। जी हाँ, ऐसा करने से बिल्कुल कम मात्रा में तेल इस्तेमाल होगा। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल स्प्रे कर लेते हैं, और अब बारी आती है इसको ओवन के अंदर बेक करने की। मैंने ओवन को पहले से ही प्रीहीट किया हुआ, यानी कि गर्म किया हुआ है लगभग 180 डिग्री के ऊपर, तो मैं इसको अब बेक करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं ओवन के पास। इसको लगेंगे लगभग 10 से 15 मिनट बेक होने में, तब तक हम बना लेते हैं एक कोटिंग सॉस, यानी कि इन विंग्स को ओवन से निकालने के बाद हम किस सॉस में टॉस करेंगे। तो झटपट से ये सॉस बना लें, इसके लिए हम गैस को ऑन करते हैं।
इसमें थोड़ा सा तेल डलेगा, क्योंकि हम नॉनस्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें तेल वैसे ही कम लगता है। तो तेल को गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे भरी कटा हुआ लहसुन। मैं इसको और चॉप कर लेता हूँ। लहसुन को चॉप करने के बाद हम डालेंगे इसको तेल में जो गर्म हो चुका है। लहसुन के साथ ही आइए इसमें डाल देते हैं हम अदरक की पेस्ट। अब इसको हम आग से हटा के टॉस कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम सिरका। और साथ ही में डालेंगे हम ब्राउन शुगर। अब चीनी और विनेगर को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। जैसे इसको रिड्यूस करेंगे थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस और कुछ तीखी चीज़ें। तीखी यानी कि हमारे पास ये चिल्ली पेस्ट है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लगभग 3 बड़े चम्मच। इसमें हम तीखी पेस्ट डालेंगे। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा और स्पाइसी बनाने के लिए चिल्ली पाउडर। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक। वैसे तो ये सॉस तैयार है, लेकिन एक बार देख लें कि हमारे जो चिकन विंग्स हमने अवन में डाले थे उनका क्या हाल है। अब आप इसको नजदीक आइए और देखिए कि कितना बढ़िया रंग आया है इन चिकन विंग्स का। एकदम सुनहरी, क्रिस्प और अंदर जो मैरिनेशन का टेस्ट है वो मुझे अभी से चिकन का महसूस हो रहा है। अब इसको एक बारी पलट लेते हैं और पलटने के बाद हम इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो इनको पलटने के बाद एक बारी हम फिर से ओवन में इसको बेक करते हैं। अब इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ओवन भी पूरी तरह से गर्म है और आधे तो ये पक ही चुके हैं। तो आइए इसको वापस ओवन में डालते हैं पूरी तरह से बेक होने के लिए। तो देखिए कितना बढ़िया और कितना सुनहरी रंग आया है इसके ऊपर। अब इन पीसेस को हम इस सॉस में टॉस करेंगे। उसके लिए हम इसको निकाल लेते हैं पहले, यानी कि छुड़ा लेते हैं सिल्वर फॉइल से। तो लीजिए, चिकन के पीसेस को हमने ट्रे से थोड़ा सा फ्री कर लिया है और यहाँ पर सॉस जो है इसको भी हमने एक बार फिर से गर्म कर लिया है। तो इन पीसेस को हम डाल लेते हैं इस सॉस में। और चिकन के पीसेस को हम इस सॉस में टॉस करेंगे। और टॉस करने के बाद आइए इसके ऊपर डाल लेते हैं भरी कटा हुआ हरा प्याज और धनिया। अब एक बारी चिकन को फिर से मिला लेते हैं। तो लीजिए, हमारा क्रिस्प चिकन तैयार हो चुका है।